हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एफसीआई 2019 1/6/2019 को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में उसका मैं एनालिसिस बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो था ये इंग्लिश का था, इसमें आपको पता ही हुआ कि 20 क्वेश्चन थे और 20 मार्क्स का था और 20 मिनट में करना था ये। और आप स्विच ओवर नहीं कर सकते हैं, अगर आप 20 मिनट के पहले ही ख़त्म कर लिए तो आप फिर भी आप स्विच ओवर नहीं कर सकते दूसरे सेक्शन में। आपको 20 मिनट कम्प्लीटली इसमें देना है। तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश पहले कर लेते हैं और उनका टाइम जो बचता है वो उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो इसमें ऐसा है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आपको इंग्लिश 20 मिनट टाइम मिला है, उस 20 मिनट में आपको पूरा करना है। अगर पहले भी कर लिए तो भी आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला आपको ये बता दूं, पैसेज के जो थे ये 5 क्वेश्चन थे पैसेज से रिलेटेड, और इसका लेवल जो था वो इजी से मॉडरेट था। इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन 5 में से 4 इजी ही था और एक मान के चले आप मॉडरेट था। और उसमें से 1-2-3 क्वेश्चन जो थे वो वर्ड मीनिंग के थे कि पैसेज में जो ये वर्ड यूज किया गया उसके जगह पर क्या यूज होना चाहिए, तो वैसा था। और फिर जो अगला क्वेश्चन था ये था अरेंज द सेंटेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल स्टोरी। तो इसमें था आपको एक वो 6 सेंटेंस जंबल्ड वर्ड जंबल्ड फॉर्म में दिया हुआ था, आपको अरेंज करना था। इसके 5 क्वेश्चन थे लगातार बैक टू बैक और आपको उसका नंबरिंग उसमें क्वेश्चन बताना था। क्वेश्चन में ये नंबरिंग पूछा गया था कि अगर इसको हम मीनिंगफुल अरेंज करते हैं मीनिंगफुल फॉर्म में, 6 सेंटेंसेस दिए हुए थे ए बी सी डी ई एफ, अगर इसको हम मीनिंगफुली अरेंज करते हैं तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा, ऐसे करके 6 थे, तो सॉरी 5 थे क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स के। और ये भी मतलब इजी टू मॉडरेट था, ये आप कह सकते हैं कि इजी था, मतलब ये आप 5 कर सकते थे। सेंटेंस मतलब बड़ा था लेकिन फिर भी वो स्टोरी इजी था, मतलब आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे अरेंज करना है इसको। फिर वो इरर फाइंड करना था इसमें, एक रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड तो स्पेलिंग मिस्टेक था उसमें वर्ड्स में, तो वो देख के बताना इरर पकड़ना था। वो 5 क्वेश्चन थे उसमें भी, और ये भी इसका भी लेवल इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, आप इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे मेरे में कुछ में था एक वो ब्रेव का स्पेलिंग उन्होंने गलत दिया था, बी आर ई आई ए बी, तो ब्रेव सोल्जर में तो फॉर एग्जांपल, तो ये आप बहुत सिंपली पकड़ सकते हैं ब्रेव का स्पेलिंग गलत है। वैसे ही ज़्यादातर वो स्पेलिंग मिस्टेक था, करेज का ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक था, ऐसे करके आप इजीली आप पकड़ सकते हैं वो। तो नेक्स्ट फिर इरर करेक्शन थे वो ग्रामेटिकल, ये करीब 8 से 10 क्वेश्चन रहे होंगे, तो ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितना क्वेश्चन था लेकिन ये ऐसा ही था कुछ। और ये भी सिंपल था, मतलब ये भी कोई टफ नहीं था, आप इजीली पकड़ सकते हैं लेवल, खास करके जो लोग भी स्टूडेंट्स जो सीजीएल वगैरह देते हैं उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ वो क्वेश्चन उससे सिंपल था। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे, और इंग्लिश मतलब ओवरऑल आप आराम से 20 मिनट में कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, आपका टाइम 2-3 मिनट बच जाएगा इसको करने के बाद, क्योंकि कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। पैसेज भी जो था वो बहुत ही सिंपल था, आपको पैसेज पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, मतलब ऐसा है कि आप अगर एक बार में पढ़े तो एक बार में आपको उसका मीनिंग समझ आ जाएगा पैसेज का, तो वो ज़्यादा टफ नहीं होगा। वैसा पैसेज टफ हो जाता है जो आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ जाता है कि हाँ मीनिंग यहाँ पे समझ नहीं आया, इस पार्ट का समझ नहीं आया, आपको सिंपल वर्ड्स में वो मीनिंग उसका डिफाइन हो रहा था, वो इजीली डिफाइन हो रहा था, आपको समझ में आ जाएगा, और उसी बेस्ड पे वो पैसेज था। तो ये है इंग्लिश का। तो ओवरऑल आप ये इजी मान के चलिए, इजी टू मॉडरेट, आप इसमें अगर आप कम से कम 25 अटेम्प्ट करते हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। नेक्स्ट जो अगला सेक्शन था वो रीजनिंग का था, ये थोड़ा मैं कहूँगा टाइम के हिसाब से थोड़ा टफ था क्योंकि 35 क्वेश्चन थे और 35 मार्क्स का और 20 मिनट इसके लिए टाइम अलॉट था, तो इस हिसाब से थोड़ा ये इसका लेवल डिफिकल्ट है इंग्लिश के कंपैरिजन में। और ओवरऑल लेवल जो है मॉडरेट है क्वेश्चन के बेसिस पे, कि अगर आपको ज़्यादा टाइम दिया जाए तो आप मतलब मॉडरेटली इसको कर सकते हैं आराम से, लेकिन टाइम कम होने के हिसाब से थोड़ा लेवल इसका मतलब टफ हो गया, डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। और फिर इसमें कैसा था, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन थे, ये भी लेवल मॉडरेट था। फिर नेक्स्ट जो है पजल, पजल के 10 क्वेश्चन थे, तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, मॉडरेट था इसका भी लेवल। और पजल में जैसे आपको उन्होंने पूछा था कि मतलब 6 ए बी सी डी ई एफ करके दे रखा था कि 6 लोग हैं, ये लोग यहाँ से पर डे ऐसे ऐसे करके कि ये लोग इस दिन जाते हैं, ये लोग इस दिन जाते हैं, तो वैसे करके हैं। फिर डायरेक्शन
वाले 4 क्वेश्चन थे डायरेक्शन के बेसिस पे, फिर इसे इजी लेवल था इसका, फिर मिसलेनियस करीब 5 क्वेश्चन थे, फिर रिलेशन बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। रिलेशन बेस्ड में जैसे दे रखा था कि ए बी का सन है और ऐसे करके, और इसके बेसिस पे मतलब 5 क्वेश्चन थे लगातार। तो ये सिंपल था, अगर आप एक मतलब उसको सोल्व कर लिया पहले वाले में ही, तो आपको 5 फिर वो सिंपली वो सोल्व हो जाएगा। और फिर सीटिंग अरेंजमेंट के भी 5 क्वेश्चन थे, ये वाला इसका लेवल मॉडरेट था, वही था कि थोड़ा आपको शुरू में वो टाइम लगेगा वो सोल्व करने में, पहला वो अरेंज करने में टाइम लगेगा, फिर अगर आप वो कर पाए तो फिर 5ों क्वेश्चन आप इजिली बना सकते थे। लेकिन वही है कि 20 मिनट में ही सारे क्वेश्चंस को पढ़ना और फिर सोल्व करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से बाकी इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट था ये सेक्शन। तो इसमें आप मतलब 22-23 क्वेश्चन ऐसे अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मतलब ये सही है, सही माना जाएगा। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टोटल क्वेश्चन इसमें 35 थे, वही सेम जो रीजनिंग का है, मार्क्स भी 35 और 20 मिनट का है। नेक्स्ट, इसमें जो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन थे इसमें था फाइंड मिसिंग और ऑड वन आउट क्वेश्चन जो था फाइंड करना था, इसमें 5 क्वेश्चन थे इसके। जैसे एक जो मुझे याद है वो सीरीज दे रखा था नंबर सीरीज, उसमें था 0.5, फिर अगला था 2.5, फिर उसके अगला था 7, उसके अगला था 23 और ऐसे करके। तो इसमें आप मतलब आपको देखना है कि उसमें से कौन सा अगला जो सबसे, और इसके आगे भी था, आगे वाला मुझे नंबर याद नहीं, लेकिन ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन था क्योंकि एकदम से आपको क्लिक नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसे है। फिर नेक्स्ट जो है इसका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था, वो 5 था। ये इसमें मैं वो दे रखा था, मतलब पाई चार्ट के रूप में आप बोल सकते हैं कि दे रखा था कि एक सोसाइटी है ए बी सी डी, उसमें से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स के व्हीकल्स का नंबर दे रखा था, और उसमें फिर 5 क्वेश्चन थे अलग अलग। हालांकि वो सिंपल ही था एक तरह से, बस वो कैलकुलेशन ही है बस उसमें, और कुछ नहीं है। कुछ उसमें परसेंटेज का भी कुछ उसने उसमें सवाल डाला हुआ था कि ए इज टू बी का, ए का संख्या कितना परसेंट है बी का, ऐसे करके। फिर इसका लेवल आप बोल सकते हैं मतलब इजी ही है। फिर बोट और स्ट्रीम का प्रॉब्लम था, एक क्वेश्चन था उस पर बेस्ड, ये सिंपल ही था क्वेश्चन, ये टफ नहीं था। फिर एक डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम भी था, इसमें एक्चुअली उन्होंने बहुत सारा वो कंडीशन दे रखा था। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन थे, ये बहुत ही सिंपल था, आप आराम से कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क के एक क्वेश्चन था, ये भी सिंपल ही आप कर सकते थे। इनइक्वालिटी बेस्ड भी एक क्वेश्चन था, जैसे एम इज लेस देन एन, लेस देन इक्वल्स टू ओ, इज इक्वल्स टू पी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, ग्रेटर देन आर। फिर इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखा था और उसमें बताना था कि कंक्लूजन 1 या 2 कैसा सही है, 4 स्टेटमेंट रहता है जो वो ये पता ही होगा। तो कुल मिला के यही है, मतलब पेपर तो इजी टू मॉडरेट ही था। तो बाकी आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से फिर कट ऑफ डिसाइड होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज हु हैव एग्जाम्स टू कम इन 1 और 2 डेज। थैंक यू।